नमस्कार साथियों, स्वयं संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, 2021 के दौरान कई सारी किस्में विकसित हुई और उसमें अधिकतर किस्में मध्य क्षेत्र के लिए थी, और उसमें जो कुछ गिनी चुनी किस्में बहुत किसानों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं, उसमें से एक किस्म है RBSM 2011-35, और इसी किस्म के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ में इस समय पर इस खेत में उपस्थित है हमारे संस्थान के प्रजनक और डॉक्टर संजय गुप्ता जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक भी है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सर, इसका हम देख रहे हैं कि ये वैरायटी धीरे धीरे किसानों के बीच में फैल रही है, कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण है, क्योंकि मैं किसानों के खेतों पे भी देख के आया हूँ, बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो कृपया इसके बारे में, इस वैरायटी के बारे में, इसके क्या गुण है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अब थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि ये वैरायटी 4 साल तक अपने AICRP के ट्रायल्स में रही। यूजली वैरायटी 3 साल तक रहती हैं, ये 4 साल तक रही थी, और लगभग 33-34 ट्रायल्स में इसको हम लोगों ने मध्य भारत में टेस्ट किया। मध्य भारत में हमारे लगभग 12 सेंटर्स हैं, और ये 12 सेंटर्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सबको मिला के हैं। तो आप और इस वैरायटी की उपज जो आई, हमारे 4 साल का जो एवरेज आया वो 22 क्विंटल का आया। तो 22 क्विंटल की उपज बहुत उपज होती है, और इसके साथ में ही एक चेक वैरायटी हम लोग अपने AICRP में एक चेक वैरायटी भी लगाते हैं, कि यानी कि जो पहले से चल रही किस्में हैं। तो चेक वैरायटी इसमें हमने लगाई थी, ये NRC 86 लगाई थी, JS 2098 लगाई थी। इन वैरायटियों की उपज लगभग 18 क्विंटल आई, तो इस वैरायटी ने 4 क्विंटल का लगभग फ़ायदा दिखाया, और इस वैरायटी इसलिए अपने लोगों ने इस वैरायटी को आइडेंटिफाई किया। ये देखिए, ये इस वैरायटी का पौधा है। इस वैरायटी का एक पेरेंट जो है वो JS 335 है, और दूसरा पेरेंट इसका नॉर्थ हिल जोन, नॉर्थ प्लेन जोन में, जो कि BMB रेजिस्टेंट वैरायटीज होती हैं, तो PK करके एक पेरेंट है, वो है। आप देखिए कितनी इसमें ब्रांचेज हैं, और इसके पॉड्स के ऊपर रोआ नहीं है, जो कि आप चाहते हैं। सीड भी लगभग 12-13 ग्राम के लगभग इसका सीड होगा, तो एक बहुत अच्छी वैरायटी है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसकी जो पहली जो ब्रांच है बहुत ऊपर से, तो जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है कंबाइन से बिल्कुल आराम से इसको कर सकते हैं। सभी वैरायटी सब बीमारियों के लिए रेजिस्टेंट नहीं होती हैं, तो ये वैरायटी जो है अपनी चारकोल रॉट और RAB जो यहाँ की मुख्य बीमारियां हैं उनके लिए देखी गई है, वो ससेप्टेबल है ये वैरायटी, लेकिन ये टॉलरेट करती है जी। है ना, टॉलरेट करती है, और ये मतलब उतना नुकसान नहीं होता उससे, उतना नुकसान नहीं होता है जी। और ये BMB के लिए मध्यम दर्जे की इसमें रेजिस्टेंस है, और पॉट ब्लाइट के लिए इसमें मध्यम दर्जे की रेजिस्टेंस है, तो इसके पॉट्स पे जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। और क्योंकि इसका एक पेरेंट हमारा वहाँ से है, लुधियाना साइड से है, पंतनगर साइड से है, जहाँ पर कि उनमें BMB रेजिस्टेंस चाहिए ही होती है, तो इस वैरायटी में मध्यम दर्जे की BMB रेजिस्टेंस आई है। एक बहुत ही अच्छा विकल्प है आप लोगों के पास में इसको लगाने का। बस एक निगेटिव पॉइंट ये है, ये वैरायटी 98-99 दिन के लगभग आ जाएगी। डॉक्टर साहब, इसका जो हमारे यहाँ पे हमने जो लगाया, यहाँ पे 18 इंच की दूरी पे लगाया है, और उस हिसाब से जो आप जो देख रहे हो, इसका बीज दर हमने थोड़ा सा कम ही रखा था। इसका एक्चुअली अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो हम वही बोलते कि 18 इंच पे बोए, लेकिन जो बीज दर है आमतौर पे 60-70 की किलोग्राम प्रति हेक्टर इसका हम बोलते हैं। तो इसका आपके हिसाब से इसको कितनी दूरी पे बोना चाहिए? देखिए, पौधे भी बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर किसान भाइयों आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहूँगा। ये पौधा जो मैंने उखाड़ा, इसमें लगभग पौधे से पौधे की दूरी 6-7 सेंटीमीटर थी, और ये जो पौधा मैंने उखाड़ा, ये पौधे सब बिल्कुल पास लगे हुए थे। तो अगर आप, हम लोगों का अभी जो नया रिसर्च निकल के आया उसमें ये आया है कि अगर हम पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें तो पौधा अपना इस तरह का फिनोलॉजी को दे पाएगा, और अगर हम पास लगाते चले जाएंगे तो आपका बीज भी बचेगा इसमें, और फसल में उत्पादन भी बहुत होगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका बीज जो है जर्मिनेशन कम है उसका, तो आप एक जगह पे दो तीन बीज डाल सकते हैं, लेकिन ये पक्का इंश्योर कीजिए कि आपका पौधे से पौधे की दूरी
10 सेंटीमीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर हो, बहुत डिफरेंस है। आप दोनों पौधों को देखिए। बिल्कुल, ये सही, आप डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया कि कई सारे किसान भाई जो मनमाने तरीके से बीज दर डालते हैं, पौधे की दूरी वो जो है ना वो ध्यान नहीं देते और फिर बोलते कि हमारी मौत बांझ रह गई या फिर गिर जाएगी। अगर आप बहुत पास लगाएंगे तो वो लेट भी सकती है। बहुत बढ़िया उदाहरण डॉक्टर साहब ने यहाँ पे अपने खेत में ही दिखा। डॉक्टर साहब, ये इसके बारे में बात चलते हुए अंतिम बात आपसे पूछना चाहूँगी, इसकी उत्पादन क्षमता हमारे मध्य क्षेत्र में क्या है? मैंने आपको शुरू में ये बताया कि हम एस सच हम नहीं कहेंगे कि कौन सी वैरायटी कितनी है। अगर हम कहते हैं 22 क्विंटल है तो हो सकता है उसके साथ जो लगी है उनकी कुछ अलग होगी। तो हमारा जो AICRP के 4 साल के इसके ट्रायल रहे उसमें इसकी औसत उपज 22 क्विंटल रही और इसके जो चेक थे NRC 86, JS 2098 उनकी उपज 18 क्विंटल थी, यानी कि 4 क्विंटल की उसने फायदा दिखाया। और ये जो 3 साल होते हैं उन 3-4 सालों में वैरायटी जब अच्छा करती है तभी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर संजय गुप्ता जी और हमने उनके साथ में चर्चा की RBSM 2011-35 के बारे में, और बहुत अच्छी जानकारी थी। मुझे लगता है कि जो आपने जो बताया कि जो पौधे की जो उत्पादन क्षमता दोहन करने की जो स्थिति है, जो पौधे के बीच में की जो दूरी रखनी चाहिए वो आप उन्होंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। आप देखिए, ये देखो कि जो अपना मैं कह रहा था कि इसमें RAB के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है तो वो आप देखिए, ये देखिए आ रही है, लेकिन ये टॉलरेट कर जाती है। आप देखिए कि फलियां भर गई हैं, भले ही उसमें बीमारी आई लेकिन फलियां हो चुकी हैं, तो टॉलरेट करती है ये। मतलब भले ही बीमारी आए लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा, उत्पादन आपको मिली जाएगा। तो साथियों, फिर से डॉक्टर संजय गुप्ता जी के साथ साथ और किसी ओकेजन पे उपस्थित होकर उनसे और किसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और आपके लिए निरंतर जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। साथियों, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।